प्यारे बच्चों, हमारा आज का काम है हे से हिजरे अस्वद। उसके बाद मैं आपको होलो राइटिंग सिखाऊंगी। इसके अंदर आपने लिखना है तिरछी लाइन, फिर उसके बाद सीधी लाइन, वहाँ जाके रुक जाना है और फिर गुलाई की शेप में नीचे की तरफ ले आना है। प्यारे बच्चों, हे का कोई नुक्ता नहीं है, हे खाली है। आपने इस होलो राइटिंग में तीन रंगों की मदद से लिखना है। तो हम हे की ट्रेसिंग पेंसिल की मदद से करेंगे। बिल्कुल आराम से लेके आना है नीचे की तरफ और फिर गुलाई की शेप में ऊपर की तरफ ले जाना है। इसी तरह आधी हे की भी ट्रेसिंग करनी है, पूरी है, आधी है, हे से हलवा। उसके बाद मैं आपको इंडिपेंडेंट भी लिखना सिखाऊंगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने जीम और चे लिखा, हे भी बिल्कुल वैसे ही लिखना है। छोटा सा डॉट लगाना है, यहाँ से तिरछी लाइन और उसके बाद यहाँ से सीधी लाइन, वहाँ जाके रुक जाना है, फिर सीधी नीचे की तरफ लाइन ले आनी है और गुलाई की शेप में ऊपर की तरफ ले जाना है। ये क्या बन गया? हे। इसके बाद आधी हे भी इसी तरह बनानी है और ये छोटी सी लाइन लेके यहाँ जाके रुक जाना है। हे से हिजरे अस्वद, हे से हाजी, हे से हलवा। प्यारे बच्चों, उसके बाद अगला हर्फ है खे। खे की ऊपर एक नुक्ता। जैसा कि आपको मैंने हे लिखना सिखाया, वैसे ही आपने इस होलो राइटिंग में भी खे लिखना है और खे की ऊपर नुक्ता लगाना है और ये तीन रंगों की मदद से आपने इसके अंदर लिखना है। खे की ट्रेसिंग भी पेंसिल की मदद से करनी है। हे के ऊपर एक नुक्ता, इसके बाद आधी हे की भी ट्रेसिंग करनी है। हे के ऊपर एक नुक्ता, हे से खेमा। प्यारे बच्चों, ट्रेसिंग के बाद इंडिपेंडेंट भी बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसा कि मैंने आपको हे लिखना सिखाया है। खे के ऊपर एक नुक्ता लगाना है और उसके बाद आधी हे भी इसी तरह लगानी बनानी है और आधी हे के ऊपर भी एक नुक्ता। मौजूद वालदैन, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने बच्चों को हे और खे की प्रैक्टिस भी करवानी है और इसके अलावा जो आपको वर्कशीट दी गई है उसके ऊपर भी काम करवाना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।